अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशनल माइक्रोबियल न्यूट्रिशन। अभी से पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बेसिक्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऐसी सारी चीज़ें जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आ रही हैं वो कहलाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके अंदर फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरसेस यूजुअली आते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके अगले लेक्चर में हमने पढ़े थे वायरसेस के बारे में डिटेल। उसमें हमने पढ़ ली थी उसके सारे जीनोमिक्स, डीएनए वायरसेस कौन से होते हैं, आरएनए वायरसेस कौन से होते हैं, और वायरसेस में ऐसा क्या होता है डिफरेंट कि वो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जैसे नहीं होते हैं, वो सेल नहीं होते हैं, वो हमारी बॉडी के बाहर अगर रहते हैं तो वो क्रिस्टलिक फॉर्म में होते हैं, और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अब आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, उनकी क्या खुराक है, उनको कौन कौन से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे हम इंसान हैं, हम खाना खाते हैं ना, और हमारी ग्रोथ होती है, हमें डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए फूड और एनर्जी की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जब हम खाना खाते हैं तब मिलती है। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी तो कोई ना कोई चीज़ इनटेक कर रहे हैं ना, तो उनके न्यूट्रिशन के सोर्स क्या हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अपनी ग्रोथ के लिए, और कौन कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है अपनी ग्रोथ के लिए, वो सारा कुछ हमने आज इस टॉपिक में देखना है। अब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं अपनी ग्रोथ के लिए, उसमें दोनों चीज़ें आएंगी, फिज़िकल कंपोनेंट्स भी आएंगे और केमिकल कंपोनेंट्स भी आएंगे। अगर हम ह्यूमन बॉडीज़ की बात करें तो हम कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो हम सांस नहीं ले सकते ना, तो ये हमारी फिज़िकल रिक्वायरमेंट है। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, कोई स्पेसिफिक पीएच होगी जिसके ऊपर वो रिजाइड कर सकते होंगे। जैसे कि हमारी बॉडीज़ का टेम्परेचर है 37 से ऊपर चला जाता है तो हम कहते हैं कि हमें बुखार हो गया, ऐसे कहते हैं ना। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी तो कोई रेंज होगी ना जिसके ऊपर वो ग्रो करते होंगे। जब हमने उनको लैब में ग्रो करना है तो ये सारी की सारी कंडीशंस को हमने मद्देनज़र रखना है, और उनको ये सारे न्यूट्रिशन और ये सारे फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी करनी है, तभी हम उनको आर्टिफिशियली ग्रो कर सकेंगे। तो जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आता है टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी हम पढ़ते हैं डिटेल में। और केमिकल रिक्वायरमेंट्स में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो उनका खुराक होगी, जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो उनको फूड से या बाहर से इनटेक करना होगा, जिसमें आता है कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ट्रेस एलिमेंट्स, ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक फैक्टर्स, ये भी हम अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि फिज़िकल ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए वो कौन से हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो पीएच। अब हर एक एक चीज़ जो है वो स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम कर रही होती है। जैसे कि हम अपनी बॉडीज़ के बारे में अगर बात करें तो स्पेसिफिक पीएच होगी, हम लोगों की जो पीएच होती है वो नॉर्मल न्यूट्रल पीएच होती है 7, और हमारे जितने भी वर्किंग एंजाइम होते हैं उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट पीएच होती है। और जैसे टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है हर चीज़ की सर्वाइवल का, कि उस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो वो चीज़ डीनेचर हो जाएगी, और उससे कम भी हो जाएगा तो भी वो डीनेचर हो जाएगी, एक रेंज होती है। इसी तरह पीएच की भी एक रेंज होती है। तो ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, ऑप्टिमम पीएच एक ऐसी पीएच होगी जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम बेस्ट तरीके से कर रहे होंगे, उनकी ग्रोथ मैक्सिमम होगी, वो अपने एक्सपोनेंशियल फेज में होंगे, वो पीएच कहलाती है ऑप्टिमम पीएच। यूजुअली बैक्टीरिया जो होते हैं वो 6.5 से 7.5 के पीएच में ग्रो करते हैं, जबकि यीस्ट मतलब कि फंगस और मोल्ड, वो भी फंगस है, उसकी पीएच जो होती है वो 5-6 होती है। अब जो पीएच होती है वो क्या होती है, पीएच का एक स्केल होता है 1 से लेके 14 तक। जो 7 होती है वो पीएच होती है न्यूट्रल, और 7 से पीछे जो होती है वो एसिडिक नेचर होती है, वो एसिडिक पीएच होती है, और 7 से ऊपर जो होती है वो होती है बेसिक। बेसिकली ये इन्वायरमेंट में जो एसिड का लेवल और बेसिसिटी का लेवल है वो बता रही होती है पीएच। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कितनी पीएच को बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी एसिडिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी न्यूट्रल वैल्यू को बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट रेंजेस होंगी।
एसिडोफाइल्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो हाईली एसिडिक कंडीशन के ऊपर रह सकते हैं। न्यूट्रोफाइल्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि न्यूट्रल कंडीशन के ऊपर रहते हैं, जबकि अल्कलीफाइल्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि हाइस्ट बेसिक कंडीशन के ऊपर रहते हैं। आगे सबकी एग्जाम्पल उन्होंने लिखी हुई है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे ह्यूमन बॉडीज का टेम्परेचर है कि 37 डिग्री हमारा टेम्परेचर है। अगर हमारा टेम्परेचर 38 डिग्री 39 डिग्री के ऊपर चला जाएगा तो हमारा सर्वाइवल नहीं है। क्या होगा कि हमारे जितनी भी प्रोटीन है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो काम कर रही हैं, एंजाइम्स सारे सारे प्रोटीन हैं, तो वो जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अगर हमें बहुत ज़्यादा उस स्पेसिफिक रेंज से ऊपर चला जाए हमारा टेम्परेचर तो हमारी डेथ हो जाएगी। जैसे इंसानों की डेथ हो जाएगी टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से, ऐसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी तो डेथ हो सकती है ना, इस सारे के सारे चेंज की वजह से। तो उन्होंने बताया हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना टेम्परेचर सर्वाइव कर सकते हैं उसके हिसाब से उसकी डिफरेंट रेंजेस हैं। जो होंगे हमारे पास सबसे पहले आते हैं साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स को क्रायोफाइल्स भी बुलाते हैं। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो लो टेम्परेचर्स के ऊपर रहते हैं। फिर आते हैं हमारे पास साइक्रोट्रॉफ्स। साइक्रोट्रॉफ्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होंगे जो कि मॉडरेट कंडीशंस के ऊपर रह रहे होंगे, 20-30 डिग्रीज के ऊपर रह रहे होंगे, मतलब कि बहुत लोएस्ट, बहुत ज़्यादा लो कंडीशंस के ऊपर नहीं रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं रह रहे होंगे, माइनस में नहीं रह रहे होंगे, बल्कि 20-30 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर वो सर्वाइव कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास मीज़ोफाइल्स। मीज़ोफाइल्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि मॉडरेट कंडीशंस पे रह रहे होंगे, जैसे नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस या 40 तक रह रहे होंगे। अब थर्मोफाइल्स वो होंगे जो कि बहुत हाईएस्ट टेम्परेचर के ऊपर रह रहे होंगे, जो कि हॉट स्प्रिंग्स के अंदर वॉल्केनोज में रह रहे होंगे। हम कहते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ तो हर जगह के ऊपर है, हमारे इवन हमारी बॉडीज़ के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं, वॉल्केनोज होंगे, हॉट स्प्रिंग्स होंगे, माउंटेन्स होंगे, पोलर रीजन्स होंगे, हर जगह के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इवन जहाँ पर हम कहते हैं जहाँ पर कोई नॉर्मल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो उसी हिसाब से इसकी रेंजेस बनाई हुई हैं। अब जैसे हमारे पास पीएच की एक रेंज थी, टेम्परेचर की एक रेंज होती है, हर एक चीज़ की एक रेंज होती है। रेंज क्या होती है कि वो लोएस्ट से हाइएस्ट टेम्परेचर जिसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ सर्वाइव कर सके। तो मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर क्या होता है? मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता हो। ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो बेस्ट वर्क कर रहा होगा, उसकी एक्सपोनेंशियली वो वर्क कर रहा होगा, उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रही होगी, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट वर्किंग कंडीशन होगी। जबकि मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर वो हाइएस्ट टेम्परेचर होगा जिधर तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। अब उस मैक्सिमम टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाएगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीनेचर हो जाएगा। अब मिनिमम टेम्परेचर से भी पीछे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिनिमम टेम्परेचर से भी पीछे अगर टेम्परेचर होगा तो उसका मतलब भी यही होगा कि अब वो ग्रो नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे थर्मोफाइल्स हैं, उसकी जो रेंज है वो है 50-60। अब अगर 50 इसकी मिनिमम रेंज है और 60 इसकी मैक्सिमम रेंज है, ये इसके दरमियान में बेस्ट वर्क करेंगे, इसके दरमियान में जो जितनी वैल्यूज़ होंगी वो इसकी ऑप्टिमम ग्रोथ वैल्यूज़ होंगी। जबकि 50 से पीछे अगर टेम्परेचर होगा तो भी वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, और अगर 60 से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो भी वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो जब हमने बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन कंडीशंस देनी होती हैं, लैब में ग्रो कराना होता है, तो हमें वो स्पेसिफिक टेम्परेचर ही देना होता है, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज ही देनी होती है जिसके ऊपर वो सर्वाइव कर जाए। आगे उन्होंने एक पूरा का पूरा ग्राफ बनाया हुआ जिसमें उन्होंने समझाए हुए हैं कि देखो किस तरह डिफरेंट पीक्स बन रही हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो रेंजेस डिफरेंट आ रही हैं। अब आगे उन्होंने बताया हुआ है जब हम फूड प्रिजर्व करते हैं, फूड की प्रिजर्वेशन में हमें ख्याल रखना पड़ता है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस रेंज के ऊपर ग्रो करेगा, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा है ना कि उसकी भी ऑप्टिमम टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं जहाँ पर वो बेस्ट वर्क कर रहा होगा। तो वो जो बेस्ट वर्किंग कंडीशन है वो हमने नहीं देनी है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि अगर हम वो देंगे तो वो हमारा फूड को स्पॉइल कर देगा। तो उन्होंने बताया है कि 60 से अबव जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, तभी तो हम दूध को बॉयल करते हैं। बॉयलिंग टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्रीज होता है। तो जब यहाँ तक एक चीज़ बॉयल हो रही हो और जब हम खाना बना रहे हो तो भी बहुत हाई टेम्परेचर होता है, यही रेंज होती है, तो उसमें सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है।
अब 50 to 60 टेम्परेचर रहता है जिसमें बहुत कम ग्रोथ हो रही होती है, और हमारे पास 55 से लेके 55 तक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ मैक्सिमम हो रही होती है, तो ये वाली कंडीशन डेंजर जोन है। जब हमने फूड को प्रिजर्व करना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि ये वाली कंडीशन ना आए, और इससे नीचे की जो कंडीशन है वही फ्रिज वाली कंडीशन है कि उसके ऊपर भी बैक्टीरियल एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉयल नहीं कर पाते हैं। फिर आगे ऑक्सीजन, जैसे इंसानों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनको भी हो सकता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकता है कि नहीं हो, उसमें भी डिफरेंस होगा। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं, जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो हमारी तरह एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं एरोब्स। फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको नहीं चाहिए होता ऑक्सीजन, वो कहलाते हैं एनएरोब्स। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको मस्ट चाहिए होता है ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होगी तो उनकी डेथ हो जाएगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जो एनएरोब्स हैं, लेकिन अगर उस इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी ऑक्सीजन होगा तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, ऑक्सीजन की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, एनएरोब्स, जिसकी एग्जांपल है बैक्टेरियोइड्स। फिर होते हैं हमारे पास माइक्रो एरोफिल्स। माइक्रो एरोफिल्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब अगर थोड़े से ज़्यादा ऑक्सीजन चला जाएगा तो भी वो सर्वाइव नहीं करेंगे, वो सिर्फ तब सर्वाइव करेंगे जब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो ये उसकी कंडीशन है। जब हमने माइक्रो एरोफिल्स को ग्रो करना होगा लैब में, तो हम लैब में ऐसे सेटअप लगाएंगे जहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल रहा हो उनको, ताकि हम उनको ग्रो कर सकें। फिर होते हैं कैप्नोफाइल्स। कैप्नोफाइल्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अच्छे से सर्वाइव करते हैं। फिर आते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स। फैकल्टेटिव एनएरोब्स ऐसे होते हैं जो दोनों कंडीशंस में रह सकते हैं, मतलब अगर ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सीजन के हिसाब से एरोबिक रेस्पिरेशन करे होंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करे होंगे, मतलब वो हर कंडीशन के ऊपर रह सकते हैं, ये रेंज इनकी रेंज ब्रॉड है। फिर होते हैं हमारे पास एरो टॉलरेंट। एरो टॉलरेंट ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एरो टॉलरेंट एनएरोब्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, पर अगर ऑक्सीजन उस इन्वायरमेंट में मौजूद हो तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन की वजह से मरेंगे नहीं, जैसे कि ऑब्लिगेट एनएरोब्स मर जाएंगे ना जैसे ऑक्सीजन आएगा, लेकिन एरो टॉलरेंट एनएरोब्स ऐसे होंगे जो कि मरेंगे नहीं, जो सर्वाइव कर लेंगे लेकिन उनको चाहिए नहीं होता ऑक्सीजन। बाकी उन्होंने दिखाया हुआ है कि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर ग्रो करते हैं, उसको आर्टिफिशियल लैब में ग्रो करते हैं, तो डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरह से ग्रो हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू कि उनको ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए उसके हिसाब से। फिर आगे उन्होंने बताया हुआ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जैसे हमारे हम सॉइल के ऊपर रह रहे हैं तो हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारे पर ज़मीन जो है वो हमारे तरफ हमें की कशिश है, वो हमारी तरफ खींच रही है, इसी तरह हमारे ऊपर एक एयर का प्रेशर है, हर टाइम के ऊपर एक एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हम लोगों के ऊपर, कि जैसे हवा चलती है, जब हवा तेज़ चल रही है तो हमें फील होती है, हमें प्रेशर फील होता है, इसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहे होंगे उनके ऊपर पानी का प्रेशर होगा, वो जो पानी का प्रेशर होगा वो जितना ज़्यादा हम डेप्थ में जाते जाएंगे उतना ज़्यादा वो प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो जो बैक्टीरिया उस कंडीशन के ऊपर रहते होंगे, जो बैक्टीरिया सर्वाइव भी वहाँ करते होंगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के ऊपर जो रहते होंगे, उन बैक्टीरिया को अगर हमने लैब में ग्रो कराना होगा तो हमें लैब में ऐसी कंडीशन देनी होगी कि वहाँ पर हाई प्रेशर हो ताकि वो सर्वाइव कर सकें। तो उन्होंने बताया हुआ है बैरोफाइल जैसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर में हाई प्रेशर में रहते हैं, मतलब डीप सी के अंदर रहते हैं हाई प्रेशर कंडीशन में, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में, लेकिन अगर जब हमने इन बैक्टीरिया को ग्रो कराना होता है लैब में, तो अगर हम उनको प्रेशर ना दें एटमॉस्फेरिक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर रखें तो उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो तो सर्वाइव ही हाई प्रेशर के ऊपर करते हैं। फिर अगर उन्होंने बताया हुआ हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब आपको पता है कि एक सेल जो होता है वो अपने आउटर जो भी उसकी इन्वायरमेंट होती है उसके साथ उसका उससे अफेक्ट होता है, अगर बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा पानी होगा और सॉल्ट अंदर जो है वो सॉल्ट कंडीशन अंदर
सॉल्ट ज़्यादा होगा और बाहर जो है वो पानी ज़्यादा होगा, तो क्या होगा वो पानी, हमारा सेल जो है वो पानी इनटेक कर लेगा अंदर और सॉल्ट को बाहर भेज देगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक आइसोटोनिक कंडीशन बनाने के लिए। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट वही होती है ना जहाँ पे अंदर का प्रेशर, अंदर का इन्वायरमेंट और बाहर का इन्वायरमेंट सेम हो, तो वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो भी काउंट करता है जब हमने एक बैक्टीरिया को ग्रो कराना होता है, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर का भी हमें ख्याल रखना होता है। अब दो तरह की कंडीशन होती है, एक होती है हाइपर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट और एक होती है हाइपो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट। हाइपर ऑस्मोटिक में क्या होता है कि सेल जो होता है वो श्रिंक कर जाता है, और हाइपो में क्या होता है सेल जो होता है वो पानी बाहर से इनटेक करता है और बर्स्ट हो जाता है। अब इन दोनों कंडीशंस को हमने जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे होते हैं तो हमने कोशिश करनी होती है कि जो कंडीशंस हैं वो मॉडरेट रहे, होम्योस्टेसिस का फिनोमेना चलता रहे, बैलेंस रहे, मतलब ये वाली कंडीशन रहे कि जो अंदर की इन्वायरमेंट है और जो बाहर की इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेम हो। ऐसे ना हो कि अंदर सॉल्ट ज़्यादा है और पानी बाहर कम है, बाहर पानी ज़्यादा है तो क्या होगा पानी अंदर चला जाएगा और सॉल्ट बाहर आ जाएगा, या अगर अंदर पानी ज़्यादा होगा और बाहर सॉल्ट ज़्यादा होगा तो उल्टा हिसाब हो जाएगा, और दोनों ही कंडीशन अगर एक्सट्रीम के ऊपर चली जाएँ तो या तो सेल श्रिंक हो जाएगा या फिर सेल बर्स्ट हो जाएगा, और दोनों ही कंडीशन हमारे लिए नुकसानदेह हैं, तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक तो हो गई सारी की सारी फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स, जो एक कंडीशंस फिजिकल कंडीशन जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देने की ज़रूरत है जब हमने उसको आर्टिफिशियली ग्रो कराना है, बल्कि नेचुरली भी उनको ये सारी चीज़ें चाहिए हैं। अब आगे हम उनकी केमिकल देख लेते हैं, केमिकल चीज़ें जैसे कार्बन डाई कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर के, उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्यों ज़रूरत है, वो चीज़ें कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज हो रही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है हमारे पास, ये जो बाहर से हम चीज़ें ले रहे हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, क्यों, क्योंकि हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के अंदर थाउजेंड्स एंड नंबर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उनको सर्वाइवल के लिए बाहर जो खुराक की ज़रूरत है, वो जो खुराक जो वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको खुराक के फॉर्म में मिलेंगे, उसको उसका फूड है, ये सारा उसका फूड है जिसको चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके, वो रिप्रोड्यूस कर सके। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो उसको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जैसे कार्बन और सल्फर फॉस्फोरस ऐसी चीज़ें, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो उनको बहुत थोड़ी अमाउंट में चाहिए, जैसे कि ट्रेस एलिमेंट्स और विटामिंस और मिनरल सॉल्ट्स ऐसी चीज़ें। अब कार्बन नाइट्रोजन सल्फर और फॉस्फोरस जो हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और ट्रेस एविडेंस और विटामिंस जो हैं वो माइक्रो हैं। यहाँ पर अब क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं ये बताएं, ये क्वेश्चन बन सकता है कि केमिकल रिक्वायरमेंट बताएं आप माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, तो केमिकल रिक्वायरमेंट्स में आप ये सारा लिखोगे। अब कार्बन हमें कहाँ चाहिए, हमने अब ये तो देख लिया कि हमें ये चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म को चाहिए, लेकिन अब इसका यूज़ कहाँ है। हम कहते हैं कि कार्बन जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, केमिस्ट्री सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी की सारी कार्बन के ऊपर है, तमाम के तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं उनके स्ट्रक्चर में कार्बन है, और तमाम के तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं वही सारे के सारे हमारी बॉडीज़ में हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन अमीनो एसिड ये सारा कुछ है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी ये सारी चीज़ें होंगी, तो उनकी बॉडी जिस चीज़ से बनी हुई है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कार्बन है, तो कार्बन की तो ज़रूरत होगी। इसके अलावा क्यों हमें कार्बन चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं ना और अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया स्पीशीज ऐसी होती हैं जो अपनी खुराक खुद बना रही होती हैं, तो जो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स होंगे जो अपनी खुराक खुद बना रहे होंगे, उनको भी तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और वो उसका खाना होता है, और बहुत सारे का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कीमोहेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो भी ऑर्गेनिक कार्बन को यूज़ कर रहे होते हैं अपनी अपनी खुराक बनाने में, केमिकली बना रहे होते हैं वो, तो हमें कार्बन इसलिए चाहिए। नाइट्रोजन क्यों चाहिए, नाइट्रोजन इसलिए चाहिए क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं बॉडी के अंदर प्रोटीन्स जो हैं उनकी वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, और जो अमाइनो एसिड हैं अगर उसका स्ट्रक्चर हम देखें तो उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, तो हमारा जो फंक्शनल यूनिट है सारा का सारा जितनी भी फंक्शन करने की जो चीज़ें हैं जो एंजाइम है जो प्रोटीन्स हैं उनमें ही नाइट्रोजन है, तो ये भी हमें एक ज़रूरत है नाइट्रोजन, हम
इनटेक करेंगे, ये उसके फूड का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हम नाइट्रोजन देंगे उस बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में, तो ही वो अपने अमीनो एसिड बनाएगा, तो ही वो अपने प्रोटीन बनाएगा, तो ही वो सर्वाइव करेगा ना। इसलिए और क्यों हमें चाहिए, और इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं, तो जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं तो वो नाइट्रोजन को यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, डिकम्पोज कर रहे होते हैं, तो तब भी वो नाइट्रोजन को यूज़ कर रहे होते हैं। अब सल्फ़र क्यों चाहिए, सल्फ़र इसलिए चाहिए क्योंकि जो अमाइनो एसिड हैं जिससे प्रोटीन मिलकर बनी हुई है, अब अमाइनो एसिड हम कहते हैं 20 अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो असेंशियल होते हैं और कुछ जो होते हैं नॉन असेंशियल होते हैं। अमाइनो एसिड में डिफरेंट टाइप्स हैं, उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, तो जो दो तीन अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फर ग्रुप भी लगा हुआ है, तो उन अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए हमें सल्फर की रिक्वायरमेंट है। तो वो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन से हैं, थायामिन और बायोटिन। और बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि सल्फ़र को यूज़ कर रहे होते हैं खाना बनाने में, अपनी खुराक बनाने में यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं सल्फ़र को, तो इसलिए हमें सल्फ़र चाहिए एज अ बेसिक कंपोनेंट। अब फॉस्फोरस क्यों चाहिए, फॉस्फोरस इसलिए चाहिए क्योंकि जो हमारा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, आरएनए है, और जो एनर्जी के मॉलिक्यूल हैं एटीपी है, उसके अंदर फॉस्फोरस है, एटीपी के मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस है। डीएनए को अगर हम खोल के देखें तो उसके अंदर भी फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल अटैच हुए होते हैं, आरएनए में भी अटैच हुए होते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो कौन से होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए चाहिए, मैक्रो मॉलिक्यूल। अब जो ट्रेस अब हम देखते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से जो थोड़ी अमाउंट में चाहिए पर ज़रूरी हैं, अगर वो नहीं होंगे तो भी बैक्टीरिया या वो जो स्पीशी होगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो आगे है हमारे पास ट्रेस एविडेंस। ट्रेस एविडेंस में मिनरल्स आते हैं, आयरन आएगा, जिंक आएगा, जो हमें बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए। अब इन चीज़ों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या असर होगा, ये होगा कि हमें पता है कि एंजाइम, एंजाइम्स के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंजाइम के बारे में आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो क्या काम कर रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं। अब वो जो एंजाइम है उसको अपना काम बेहतरीन तरीके से करने के लिए को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक वो को फैक्टर नहीं होगा उस एंजाइम के अंदर, तब तक वो एंजाइम काम नहीं कर रहा होगा। तो वो जो को फैक्टर होते हैं वो ये मिनरल्स होते हैं, ये ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। तो ये ट्रेस एलिमेंट जाके एंजाइम के ऊपर लगेंगे और एंजाइम काम करेगा और बॉडी फंक्शन करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी और हमारी भी। इसलिए हमें ट्रेस एविडेंस चाहिए, ट्रेस एलिमेंट्स चाहिए। फिर और क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें हमें बफर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्या होता है, जब हम कोई भी कल्चर मीडिया बनाते हैं तो हम उसमें बफर को डालते हैं। बफर क्या करता है, बफर ये करता है कि जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है तो उसकी जो इन्वायरमेंट होती है, उसकी जो पीएच होती है, उस इन्वायरमेंट के पीएच को स्टेबलाइज करने में बफर हेल्प करता है। तो बफर भी ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमने ये कहा है ना कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ग्रो कर रहा होता है, तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए, कि ऐसे ना हो कि जैसे ही हमने कोई न्यूट्रंट उसमें ऐड किया उसकी पीएच चेंज हो गई है, या टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर हुआ तो पीएच चेंज हो गई है, तो अगर थोड़ी सी भी पीएच ऊपर नीचे हो जाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। इसीलिए हम बफर ऐड करते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे, वो कंट्रोल कर ले उस पीएच को, ऊपर नीचे जो हो रही है उसको स्टेबलाइज कर दे। जैसे हर चीज़ में स्टेबलाइजर लगाते हैं ना, हम इस तरह के स्टेबलाइजर के तौर पर काम करते हैं। फिर है हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स। ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि वाइटामिन्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, प्यूरीन्स और पिरामिडीन्स हो गए, जो हम डायरेक्टली इन्वायरमेंट से लेते हैं, खुद से जो हम नहीं बना सकते हैं, हम बाहर से लेते हैं, हम अपने फूड से लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बाहर से लेंगे, जो भी हम उसको कल्चर दे रहे होंगे उसमें से लेंगे, और वो भी हेल्प करेंगे उसकी सर्वाइवल के लिए, उसकी बेसिक मेटाबॉलिज्म में ये भी चीज़ें हेल्प करेंगी। अब एक इम्पॉर्टेंट और चीज़, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर कर रहे होते हैं लैब में, तो जिस सरफेस के ऊपर हम उसको कल्चर कर रहे होते हैं, ये जेली लाइक सब्सटेंस जिसके अंदर न्यूट्रंट्स डाले हुए होते हैं, वो कहलाते हैं एगर। एगर ये जो कोई ऐसी पेट्री प्लेट होती है जिसके अंदर एगर मीडिया, ये जो आपको जेली जेली से दिख रहा है ना, ये एगर होता है।
और इसके ऊपर ये जो आपको कलरफुल सी कॉलोनीज दिख रही हैं, ये बैक्टीरिया हैं। अब देखो हर कॉलोनी दूसरे से डिफरेंट है। कल ये देखो, ये और कलर की है, ये वाली और कलर की है, ये और कलर की है, ये कोई और चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर ग्रो हुए हैं। तो जिस चीज़ के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं, ये वाला जो जेली वाला सब्सटेंस है, इसको कहलाते हैं एगर। एगर जो होता है, जैसे जेली होती है ना नॉर्मल, वैसा सब्सटेंस होता है। ये हमारे पास एलजी में से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसको हम लैब में यूज़ करते हैं जब हमने सॉलिडिफाई करना होता है मीडिया। मीडिया को सॉलिडिफाई जब करना होता है, सॉलिड जेली जेली की कंसिस्टेंसी जब देनी होती है, तब हम एगर को यूज़ करते हैं। और एगर जो होता है वो, जब हम उसको, जैसे जेली होती है ना, वो पहले पाउडर फॉर्म में होती है, पाउडर फॉर्म में होती है, हम क्या करते हैं उसको बॉइलिंग वाटर में डालते हैं तो वो मिक्स हो जाती है और लिक्विड हो जाती है। और फिर जैसे ही हम उसको ठंडा करते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाती है, जेली बन जाती है। पहले वो लिक्विड होती है, बाद में वो जेली बन जाती है। सेम यही काम होता है एगर में। वो भी इसी तरह, जब हमने अपना मीडिया बनाना होता है तो हम उसमें एगर डालते हैं और फिर इस तरह की शेप आ जाती है। उसके ऊपर हम अपने बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल देते हैं, इनोकुलेट कर देते हैं, और फिर वो ग्रो कर जाते हैं इसके ऊपर। अब आप लोगों के असाइनमेंट ये है कि आपने ये तीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर फाइंड आउट करके लाने हैं नेक्स्ट क्लास में।